अब मैं हूँ नंदीग्राम के मोहम्मदपुर गांव में, पीछे यहाँ से 200 मीटर पोलिंग बूथ है। अब मैं इस वक्त हूँ नंदीग्राम के कौन से बूथ में? 51 नंबर बूथ। 51। अभी मैं हूँ नंदीग्राम के खोदामबाड़ी इलाके में, और कौन सा गांव है? अभी चार महिलाओं से मैंने बात की, मूझ बिंदाबनपुर ये गांव है। अभी हम लोग अब मोहम्मदपुर गांव, जो नंदीग्राम वन का बड़ा गांव है और उसमें हिंदू बहुल आबादी है, उस गांव में कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से बात करके हम लोग निकले हैं। अब इस वक्त मैं हूँ हरिपुर गांव में, और यहाँ चार पोलिंग बूथ है ना, हरिपुर में चार बूथ है, और समझ लीजिए कि आप तक सारी बात पहुँचे, इसलिए इतनी गर्मी में, उमस में, पसीने से देखिए लथपथ हैं हम लोग। ये महिलाएं इसी पोलिंग बूथ से वोट देकर निकली। जेलेमारा ये गांव का नाम है। नमस्कार दोस्तों, नंदीग्राम में आज वोटिंग हो रही है। हर बूथ पर कतार में वोटर हैं, जबरदस्त गर्मी है, तपिश है, मौसम में उमस है, और उसी तरह का आप तापमान नंदीग्राम में महसूस कर सकते हैं। मेरे पीछे बैनर, पोस्टर बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी सबके हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि नंदीग्राम में आज जो मतदान हो रहा है, तो मतदाताओं का रुख क्या होगा? यही समझने के लिए मैं लगातार अलग अलग बूथ में जा रहा हूं, कभी ई रिक्शा से, कभी ऑटो से, कभी अपनी गाड़ी से, कभी ऐसी पुलिया को पार करके पैदल, कभी कई कई किलोमीटर तक ऐसी पगडंडियों से जाकर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि गांव में जो पोलिंग बूथ है, और ख़ासतौर से हिंदू बहुल इलाकों में मैं ज़्यादा जा रहा हूं, कि हिंदू बहुल इलाकों में जो मतदाता हैं उनका रुझान क्या दिखता है, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम को लेकर तो ये बार बार बात कही जा रही है कि मुस्लिम एकमुश्त या ज़्यादातर मुस्लिम वोटर ममता के पक्ष में जाएंगे, तो सवाल उठता है हिंदू वोटर क्या करेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, उनके लोग, बीजेपी के नेता ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, लगातार कर रहे हैं, कि हिंदू वोट पूरी तरह से एकमुश्त 70-80-90% तक शुभेंदु अधिकारी को जाएगा। यही बात लगातार यहाँ प्रचार प्रसार और मीडिया के जरिए ये गढ़ी जा रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐसे वोटरों से बात करता हूँ, ऐसे बूथ पर जाकर जो दरअसल हिंदू वोटर हैं और उसमें ज़्यादातर महिलाएं। बातचीत के बाद वो क्या कहती हैं, महिलाएं या वोटर, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। हम चलते हैं अलग अलग इलाकों में और आपको दिखाते रहेंगे, सोचिए और अंदाज़ा लगाइए, नतीजे दो को आएंगे, लेकिन शायद इन बयानों से, इन वोटर से जो बात हो रही है, उससे आपको कुछ अंदाज़ा लगेगा। चलते हैं। अभी मैं हूँ नंदीग्राम के खोदामबाड़ी इलाके में, और कौन सा गाँव है? खोदामबाड़ी मध्यपुरली। और यहाँ मालती खोलोना बूथ, 1200 वोट है, पीछे बूथ है, और ये महिलाएं अभी, बहुत सारे लोग ऐसे वोट देकर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले के दीदी, दादा दीदी, तो क्यों दिया दीदी को वोट? पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, क्या नो दीदी के भालो काज करे छे तार जन्य, আর আমরা সারা মানে ভালো উন্নয়ন করেছে, আর সব সময় দিদিকে দিয়ে এসেছি, আজকেও দিদিকে দিচ্ছি। আপ নাম? দীপালি আড়ি। দীপালি, তো দিদি কি দাদা? দিদি। কেন দিদি? সবসময় দিয়ে আসি। আর ইউনিয়ন কে বল রহি? দিদি নে বিকাশ কিয়া হ্যায় আর হমনে হমেশা দিদি কো হি দিয়া হ্যায়। আচ্ছা, ঠিক হ্যায়, যাও। বাস অভি জাননে কা মকসদ ইয়ে হ্যায়, দিদি আর দাদা মে মহিলায়ে কিয়া কহ রহি হ্যায় আর ভোটার কিয়া কহ রহে হ্যায়। और बार बार मैं आपको बताता हूं कि महिला वोटर बहुत कुछ तय नंदीग्राम में करने वाली हैं। 49% के आसपास महिला वोटर हैं, कुछ और महिलाएं आ रही हैं। अब ये वोट देकर आ रहे हैं, वोट दे दिया, दिखाओ, ऐसे दिखाओ वोट, ये 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 दिखाओ, आपने भी वोट दे दिया, ऐसे उंगली में लगा हुआ है, वोट दे दिया। दीदी की दादा? दीदी। आप दीदी की दादा? दादा। क्यों क्यों केनो? দেশের জন্য সব কিছু এ করে, ওই জন্য দাদাকে দোয়া হলো। क्या बोली? देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए दादा को दिया। तो दादा मतलब शुभेंदु दादा या मोदी दादा? मोदी को। ठीक है, चलिए, ये महिला दो हैं, दादा वाली हैं। दीदी या दादा? दादा। क्यों? देश जानो। क्या बोल रही हैं? देश के लिए, मोदी के नाम।
तो मोदी दादा या शुभेंदु दादा? मोदी। मोदी के नाम पे दिया, क्यों दिया, देश के लिए क्या लगता है मोदी करेगा? की कोरे छे, की कोरबे मोदी। चलिए आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, बाकी महिलाओं से बात करते हैं, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। दीदी दादा? दीदी। दीदी केनो दीदी? दीदी हमारे सब कुछ सहाय करे तो दीदी जन्न तो बेचे अच्छी। क्या बोली? दीदी के लिए ही हम जिंदा हैं, उन्होंने कई तरह से हमारी सहायता की है। वोट किया? वोट वोट कर दिया ना, वोट 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 दिए चन। तो इनसे पूछना हम चाहते हैं क्या सोच के वोट दिया? क्या वोट दिले की चाहिए अपना देर नहीं नहीं बोलना, इनसे पूछिए, नहीं बोलेंगे। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या सोच के वोट दिया, वोट देते वक्त उनके दिमाग में क्या था। और ये नंदीग्राम का जो पोलिंग बूथ है, जहां अभी मैंने कुछ महिलाओं से बात की, लगभग वहां से 200 250 या 300 मीटर दूर आ गया हूं। कौन सा ये बूथ है फिर से बताइए, भूल गया। ये खोदामपाड़ा गाँव, खोदामबाड़ी गाँव है। और उसका क्या एक बूथ था, 116 नंबर बूथ। जरा इनसे पूछना चाहते हैं हम कि वोट देते समय क्या सोच के वोट दिया। अच्छा, वोट देवार समय की भाव छिलेन, ग्रामेर उन्नयन विकास चाकरी ना की भेबे वोट दिए छेन? उन्नयन होक एटुकुई चाई, एटाई जस्ट। परिवर्तन ना कि खेला होबे? दीदी बोलती है खेला होबे, मोदी बोलता है परिवर्तन। না আমাদের ভাষা সার্বিক ভাবে উন্নয়ন আসুক এটাই হচ্ছে কথা, সে খেলা হবে কি পরিবর্তন সে তো 2 তারিখের পর বোঝা যাবে সেটা কি হবে না হবে। চলো ঠিক আছে, জানি দো চলে। তো ইয়ে গাঁও কা, ইয়ে গাঁও কা ক্যা নাম হ্যাঁ? হ্যাঁ, খোদামবাড়ি এলাকা মে হ্যাঁ বুথ। হমসে ইয়াহাঁ 2-250 মিটার দূর হ্যায় আর ইয়াহাঁ 116 নম্বর বুথ হ্যায়, কুছ লোগোঁ সে হমনে বাত কি। হ্যাঁ, 100 मालती खोल लो ना, 116 नंबर बूथ আছে, 16 নম্বর বুথ। अब चलते हैं हम लोग दूसरे बूथ की तरफ, ये খোদামবাড়ি इलाका है, अब दूसरे बूथ की तरफ चलते हैं। अब इस वक्त मैं हूँ हरिपुर गांव में, और यहाँ चार पोलिंग बूथ है ना हरिपुर में, चार बूथ है, चार बूथ है। और ये अभी महिलाएं, चार महिलाएं एक बूथ से वोट देकर निकली, जहां से निकली वो कौन सा कितना नंबर बूथ है? 88 नंबर बूथ से वोट देकर ये महिलाएं निकली हैं। तो अब आप इनसे पूछिए कि वोट देते समय क्या इशू दिमाग में था, किस इशू पर वोट दिया? अच्छा, वोट जखन दिए छेन की भेबे दिए छेन, जेरकम लोके दाय ना जे अमुक आसले उन्नयन करबे, रोजगार होबे, चाकरी होबे, सेटा की माथाय छिलो, की माथाय भेबे, एटा बोलछि ना जे काके दिए छेन, की भेबे दिए छेन? एखन आमरा भेबेछि नतून सरकार आसुक, एबारे किछुदिन तो एक सरकारके देखलाम, তো নতুন সরকার সরকার আসুক, যদি দেশের কোনো উন্নতি হয়, উন্নয়ন হয়, এটাই আমরা চাইছি। নতুন সরকার মতলব পরিবর্তন? হ্যাঁ, আপ চলো, আপ 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 আমার একই মত, একই মত হ্যাঁ। तो ये इन्होंने कहा कि परिवर्तन चाहिए, नई सरकार चाहिए, बाकी ने कहा एक ही मत, तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। चलिए आप जाइए, थैंक यू। और ये हरिपुर इलाका है, और ऐसे बताएं कि हरिपुर के इस गांव को और इस इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, इसलिए आप बताओ, आप बताओ। हाँ, वोट दिया? वोट दिया। क्या सोच के वोट दिया? ওই যে নতুন সরকার এসুক, আমরা এটাই চাই, সবাই ভালো থাকুক, এটাই চাই আমরা। মতলব দিদি কে সরকার জানা চাই, নই সরকার জানা চাই, আনা চাই, এই সোচ কে দিয়া? নই সরকার ইন চাই, নই সরকার কে লিয়ে ভোট দিয়া। এসে বহুত সারি মহিলা যা রহি হ্যায়, ইনসে ভি জরা পুছতে, এক মিনিট, এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড, ক্যা সোচ কে ভোট দিয়া, পুছিয়ে ক্যা সোচ কে ভোট, কি ভেবে ভোট দিলেন, পরিবর্তন ইয়া দিদি? সবাই যেভাবে পরিবর্তন কে লিয়ে ভোট দিয়া। পরিবর্তন, আপ তো হিন্দি জানতা বেটা, পরিবর্তন কে লিয়ে মতলব সরকার বদলনে কে লিয়ে ভোট দিয়া? यस। সরকার ক্যা করতে হো আপ? গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট কিয়া ইস সাল। তো ক্যা চাহতা হে, কেসি সরকার চাহতা হে, জো ক্যা করেগা, কিউ দিয়া এসা ভোট, ক্যা সোচ কে দিয়া? কিউকি পরিবর্তনের জন্যই চাইছি, যাতে নতুন সরকার আসে, এসে এই চাকরি বাকরি বলুন, পড়াশোনা বলুন, সবের উন্নতি হয়। চলো ঠিক হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ। তো থোড়ি ভাষাকে দিক্কত মেরি ভি হ্যায়,
मैं बांग्ला नहीं समझता हूँ और ये लड़कियाँ और महिलाएं हिंदी में इनके हाथ तंग हैं। तो ये इलाका वैसे कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों की तादाद इस हरिपुर इलाके में ज़्यादा है। और यहाँ इसी रास्ते में 4 पोलिंग बूथ है आगे, और वहाँ वोटिंग चल रही है और जो आ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों से मैंने बात की है। तो ये महिलाएं भी फिर वही हरिपुर में जो पोलिंग बूथ है वहाँ से वोट देकर आ रही हैं, तो इनसे वही पूछते हैं कि क्या सोचकर वोट दिया। अच्छा, वोट देवार समय माथा की चिंता भावना छिल की भेबे वोट दिलें जे रकम लोकर थाके ना उन्नयन चाकरी बाकरी की भेबे वोट दे क्या सोचकर वोट दिया? जमन सबाय दिछे तमन दिछे, जब जो सबको देता है वैसे देता है, नहीं समझा? हां, जमन वोट दे हम दिछे फिर कम दिछे जमन दे जमन दिछे सही कथा बोलिछे सबाय जमन दिछे तमन दिछे सबाय जमन ना उन्नयन ना कि एटा तो बोलते ही पारें उन्नयन जन्य परिवर्तन के लिए दे रहा है या परिवर्तन है? परिवर्तन मतलब सरकार परिवर्तन हुई है। किसका सरकार आए? बीजेपी। क्या क्या सोच के वोट दिया? ये भेबे वोट दिलें जे रकम उनरा बोललन से रकम बोले दे जा बोलो। हां, बीजेपी के वोट दिए छे। अच्छा, चलो ठीक है। क्यों दिया वैसे बता दो, क्यों? केनो 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 वोट दिलें? बीजेपी सरकार के जिताना जन्ने। ये सारी महिलाएं यहाँ आ रही हैं हरिपुर इलाके में, इनसे भी वही सवाल, केनो वोट? सुस्त भावे वोट दे हुए छे। हां हां, सुस्त भावे वोट दे हुए छे। वोट करेंगे ठीक से शांतिपूर्ण दिया, किंतु की भावना चिंता नहीं है वोटटा दिलेन उन्नयन जे रकम लोके उन्नयन परिवर्तन छे तो मन होए जाबे लग रहा है कि इस बार परिवर्तन हो जाए। हां, सुस्त भावे वोट दे हुए छे। सुस्त भावे वोट दे मतलब? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या मतलब? तो दया हो गया छे किंतु से परिवर्तन चाहिए हमरा सब। परिवर्तन मतलब दादा? हाँ, हाँ। तो परिवर्तन दादा मतलब मोदी या शुभेंदु? हाँ, हाँ। कौन? दादा शुभेंदु। तो ये परिवर्तन की पक्षधर महिलाएं हैं, हरिपुर गांव है। फिर मैं बार बार बताऊंगा कि ये हरिपुर बीजेपी का एक तरह से वोट बैंक या गढ़ वाला गाँव है, और जो महिलाएं आ रही हैं उनसे आपने सुना। अब किसी और पोलिंग बूथ की तरफ चलते हैं जिससे आपको अलग अलग तरह के पोलिंग का अंदाज़ा लगे। अभी दो महिलाएं आ रही हैं, इनसे पूछता हूं, देखता हूं समझ पाती हैं कि नहीं, ये वोटर है बच्चा। हेलो हेलो, एक मिनट, आप वोटर हो? थोड़ा हिंदी बोलता है? ना ना पा। किस क्लास में पढ़ता है? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में पढ़ता है, तो क्या सोच के वोट दिया? क्या सोच के वोट दिया? क्या सोच के? हिंदी समझते? अरे मेरी भी दिक्कत है ना, मैं बंगला इतना ही भालों के अलावा नहीं जानता कुछ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते हैं फिर किसी और इलाके में चलते हैं। अब मैं इस वक्त हूँ नंदीग्राम के कौन से बूथ में? 51 नंबर बूथ। 51। और ये गांव का क्या नाम है? बारगंडो बस्ता। तो अब ये कुछ महिलाएं वोट देकर निकले, आपने भी वोट दिया? सारे लोगों ने वोट दिया, सब दिखाओ, दिखा वोट दिया। तो क्या सोच के वोट दिया, परिवर्तन या खेला? क्या इशू क्या है, वोट का क्या इशू है, क्या दिमाग में? परिवर्तन चाहा मैंने, हम लोग परिवर्तन चाहा, हमने चाहा दादा, दादा के चाहिए हमरा। हमरा दादा के ही चाहिए। क्यों? शुभेंदु दादा के ही चाहिए। क्यों चाहिए बताओ? कैनो चाहिए। कैनो चाहिए? कैनो चाहिए। अब इनको बोलने दो ना, उसके बाद फिर आपसे बात करें। काज चाहिए, हमारा देश उन्नयन चाहिए, काज चाहिए, छेले मेदेर शिक्षा चाहिए, भविष्य को बोलने दो। आप पीछे से क्यों बोल रहे हो? हाँ, नहीं घबरा रहा, हम बात कर लेगा। हाँ, दादा के चाहिए, हमरा छेले में इधर पढ़ाशुना चाहिए, कर्म चाहिए, शिल्प चाहिए, शिक्षा चाहिए, शास्त्र चाहिए, तार जन्य शिल्प चाहिए, हमरा छेले में इधर सवाई जन्य काजकर्म पे दादा के ही चाहिए। लेकिन दादा ही तो इधर से एमएलए था, एमपी था, मंत्री था, तो ये सब नहीं किया दादा? তখন করেছে, তখন করেছে, তখন অন্যরকম ভাবে করেছে, করেছে তখন। মোদিজি আচ্ছা হ্যাঁ না, মোদিজি আচ্ছা হ্যাঁ না, বলেঙ্গে দিদিকো। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যা ক্যা সামাল কে রেহো, দাদা কো জো পদ দিয়া থা, দাদা কো কুছ করনে নেই দিয়া, ইসলিয়ে মন মে দুখ আ গিয়া, অভিষেক ব্যানার্জি কো আসলি জায়গা মে বেঠা দিয়া, বলে তিন দিন আয়া রাজনীতি মে,
दादा तो 15 साल से था, दादा एमपी भी था, दादा एमएलए भी था, दादा मंत्री भी था, लेकिन आपने क्या सोच के वोट दिया ये बताओ कि मोदी दादा या शुभेंदु दादा, कौन दादा? मोदी दादा, मोदी दादा। तो क्या लगता है मोदी के आने से क्या होगा इधर, क्या होगा इधर, क्या होता है सबके साथ सबके? आप लोगों ने क्या सोच के वोट दिया ये सवाल पूछिए। কি ভাবে ভোট দিলেন, কি ভাবনা চিন্তা, পরিবর্তন না খেলা? নাগরিক ভোট দিতে হবে তাই দিয়েছি। আপ আপনারাও নাগরিক যাকে ভোট দিতে ইচ্ছে দিয়েছি। কি বলনি? বলে নাগরিক হ্যাঁ ভোট দেনা হ্যায় অধিকার। আপ বাতাও কি পরিবর্তন সোচ কে ভোট দিয়া, সরকার ইয়েই সোচ কে ভোট দিয়া, কি সোচ কে ভোট দিয়া? কি বলবো আর, যে পরিস্থিতি এখন চলছে আমরা বলতেও তো আমরা ভয় করছে, যাও আমরা যাকে সমর্থন করি মোট ভোট দিয়েছি। আর কি বলবো, जो हालत है इसमें बोलने में भी डर लग रहा है, हम जिसका समर्थन करते हैं उसे वोट दिया है। चलिए तो ये 4-5 महिलाएं थी इनके साथ, ये भी आप उन्हें वोट दे दिया आपने? अभी वोट जाने जा रहा देने। आपके फैमिली का है सब, घर के पास के? अच्छा, तो वोट दिलवा रहा है इनसे, मतलब दिलवाने लाया आप? ठीक है, तो ये दादा समर्थक हैं, अभी बताएंगे हम आपको। तो ये महिलाएँ थी, और ये कौन सा इलाका फिर से बता दीजिए? बारकंडा पसरा, कंडा पसरा ये इलाका है। नंदीग्राम 1-2, नंदीग्राम 1 में एक नंबर अंचल, एक नंबर अंचल। चलिए ये महिलाएं भी जा रही हैं वोट देके। वही सवाल, क्या सोच के वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया? कोनो भेबे वोट दी नहीं, वोट दीते हाई दिए छी। क्या सोच के दिया, परिवर्तन के लिए सोच के दिया या उन्नयन सोच के दिया, क्या सोच के दिया? परिवर्तन के लिए। परिवर्तन मतलब दूसरे सरकार के लिए? हाँ, दूसरे सरकार के लिए। तो उससे क्या होगा, क्यों सोच के दिया? देखी ना की है। चलो, तो ऐसे जो महिलाएं आ रही हैं या जो वोटर आ रहे हैं उनसे सिर्फ ऐसे सवाल जवाब से थोड़ा आपको अंदाजा लगेगा। अब मैं हूँ नंदीग्राम के मोहम्मदपुर गांव में। पीछे यहाँ से 200 मीटर पोलिंग बूथ है और वहाँ से वोट देकर जो महिलाएं पुरुष जो आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये महिला, इन्होंने वोट दिया, वोट दिया दिखाओ, ये वोट दिया, यस भी बोल रहे हो तो आप तो अंग्रेजी भी थोड़ी आती है, तो क्या सोच के वोट दिया? दीदी के ही वोट दिया। दीदी के ही दिया, क्या सोच के दिया? मतलब बस मैंने समझ नहीं आती। कैनो कैनो दीदी के दे? ना दीदी के बोलते हैं, मैंने इखाने बोलते होते से मैंने की बोला जाए सब कुछ तो बुझते बच्चे ना, हमारा ग्रामीण मानुष तो দাদা কেও ভালোবাসি, দিদিকেও ভালোবাসি, সবাইকে ভালোবাসি। আমরা যেহেতু গ্রামের মানুষ, না ভালোবাসলে কাউকে না। নেতারা নেতাদের জায়গায় থাকে, কিন্তু সাধারণ মানুষদের জন্য কি করেছে উনিরা বলুন বলুন। এবার যা মানুষ নিজেকে বাঁচা, আত্মরক্ষার জন্য যে যতটা পারা সেরকমই করেছে, কিন্তু সবাই সবাইকে খুব ভালোবাসে। নাম বতো। আমার নাম শান্তি পাত্র। শান্তি, ক্যা বতাই? बोले कि नेता तो अपनी जगह पे रहेंगे, गांव में हम लोग आपसी भाईचारे में रहेंगे, मानुष को अपने बचना होगा, अपने को बचाना होगा, इसलिए हमने वोट दिया। वोट दिया इसलिए, वोट दिया। अब ये एक सेकेंड, इधर आ जाओ आप थोड़ा सा। अब मेरी दिक्कत है बंगला न जानने की, प्रभाकर जी हमारी मदद लगातार कर रहे हैं। तो क्या सोच के वोट दिया, वोट क्या सोच के दिया? की भेबे वोट दिलेन, की माता की भावना चिंता छिलो? हमारे किसी भावना चिंता नहीं, वोट दीते हुए दिए। সবাই ভালোবাসবে, উনি এই দেশটাকে পরিবর্তন করবে, এবং সবাই চাই যাতে দিদির থেকে দাদা যেন আরো বেশি উন্নত করতে পারে, সেই আশা নিয়ে সবাই দাদার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। দাদা কি ওর সবকি উম্মীদে লাগি হ্যাঁ কি দাদা আগর জিত কে আয়ে তো দিদি সে ভি জাদা পরিবর্তন করেন, বদলাও করেন, উন্নতি করেন, প্রগতি বিকাশ হো ইলাকে কা। লেকিন পহলে তো ইনহোনে বোলা কি হমনে দিদি কো দিয়া। সব আমি দাদাকেই দিয়া। দাদা কো দিয়া, পহলে ক্যা বোলা থা? पहले तो दीदी बोल। है सर, कि हमारे किए कर वो बोल रही है कि गांव की हालत ऐसी है कि मैं सही बात हर जगह खुल के नहीं बोल सकती है, गांव में सबको साथ रहना है। तो दादा सबाई ভালো, সবাই ভালো, কিন্তু हम মানুষ জন যদি এরকম করে তাতে আমাদের কিছু নাই কিছু। अच्छा चलो ठीक है। तो लेकिन पहली बार शायद मुझे लगता है दीदी बोली, फिर दादा बोली, फिर दीदी ভালো, দাদা ভালো, दोनों ভালো, सब ভালো। तो ये थोड़ा सा लोग बोलने में झिझकते हैं और दोनों राय इनकी आई। चलो थैंक यू। हाँ, आप क्या सोच के वोट दिया? कि भेबे वोट दिलेन, उन्नयन, यही एक तो उन्नयन, परिवर्तन, विकास, की होबे चाकरी बाकरी, छेले देर पढ़ाशुना, पढ़ाशुना जन तो अवश्य जाई, कारण उन छेले में पढ़ाशुना करू, उन्नति करू, एटाई जाई।
लड़के विकास करे उन्नति करे। ये कौन करेगा विकास उन्नयन उन्नति? दादा ही कर बे। दादा। चलो दादा मतलब मोदी दादा। समय हमरा किछु पाई नी दिस समय हमरा कोनो सुजो सुविधा किछु पाई नी दादा आसुक दादा एले ही यदि पाई तो पाबो। ये दीदी के समय इनको कोई सुविधा नहीं मिली ऐसा शायद कह रही हैं। और दादा मतलब शुभेंदु दादा मोदी? शुभेंदु दादा। ठीक है चलो आप जाओ। ऐसे जो लोग उधर से आ रहे हैं वोट देकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मोहम्मदपुर गांव है, नंदीग्राम वन में है। हाँ नंदीग्राम वन में है और ये हिंदू बहुल गांव है, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे इलाकों में जा रहा हूँ पॉकेट में, जिससे कुछ अंदाज़ा लगे। जो लोग वहाँ पोलिंग बूथ से वोट देकर आ रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत उमस है, बहुत पसीना है, लेकिन इसी उमस और पसीने में जो संवाद होगा इससे थोड़ा आपको अंदाज़ा लगेगा। और कई बार बहुत लोग बोलते नहीं हैं और कई बार कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, कुछ दूर आगे जाकर उनसे कुछ क्लोज होकर बात करने की कोशिश करो तो कुछ बात बताते हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया? अभी तक नहीं दे, बाद में देंगे। बाद में देंगे तो चलो ठीक है। तो जो लोग वोट देकर आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। अब ये दो महिलाएं आप साथ हो इनके? ये हैं हाँ, तो ये फिर मिले, ये मोहम्मदपुर में वोट करके ये निकले हैं पोलिंग बूथ से, तो आप इनसे पूछिए कि क्या सोच के वोट दिया है। वोट दिलेन की माथा छिलो जे रकम थाके ना सार्विक उन्नयन होबे अमुक आसले छेले पेले चाकरी पाबे बाड़ी लोकजन चाकरी पाबे हमर सबाई जते ভালো থাকে বা সবাই যেতে যে হয়তো ভালোভাবে সুস্থ ভাবে থাকে ওই জন্য আমরা দিয়েছি। সে क्या क्या পরিবর্তন বাস্তে ভোট দিল या परिवर्तन या दीदी वास्ते वोट? ना 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 परिवर्तन। परिवर्तन मतलब? हाँ मतलब किसका सरकार? के को चान हो जे मोदी बाबू। मोदी बाबू? मोदी बाबू बाबू। अच्छा आप बोलो 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 के मोदी मोदी को काय चान? काय चान सही बोला? केनो चान? सोनार बांगला ভালো সুস্থ থাকবে সব কিছু সুস্থ থাকবে থাকবে घर में चले बोले सबाई सब भालो थाक भी। मोदी सोनार बंगला लाएंगे ये कह रही हैं? बढ़िया सब ठीक से रहेंगे, शांति से रहेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी नमस्कार। तो ये सिर्फ राय शुमारी से कुछ अंदाज़ा लगाने के लिए, तो मोदी के समर्थन में मोदी के पक्ष में वोट देकर आ रही हैं ये मानते हुए कि परिवर्तन का मतलब मोदी की सरकार है। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, कुछ और वोटर से बात करते हैं। और जहाँ मैं हूँ यहाँ से बूथ 100 मीटर दूर है। अब ये मोहम्मदपुर गांव के ही दो वोटर और वोट दे दिया ना, तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकना रुकना रुकना। अब बंगला मुझे नहीं आती इसलिए फिर प्रभाकर जी मदद करेंगे। तो किस लिए वोट दिया, परिवर्तन के लिए या दीदी थाकवे के लिए? हमरा क्यों बोल बोलबो মাথায় কি চিন্তা ভাবনা ছিল যে অমুক আসলে উন্নয়ন হবে বা চাকরি হবে রোজগার হবে, একটা তো থাকে চিন্তা। সবাই এক মানে একজন কি মানে এই 10 বছর তো চালিয়েছে, এর পরে বছর দেখি না দাদা এসে দেখি না। यानी बदलाव के लिए वो चाहती है कि 10 साल तो एक आदमी ने चलाया, आप देखें अगला कैसा करता है। तो दीदी थकबे? না না দিদিকে তো এত বছর দিয়ে এসেছি, তার পরের বছর দাদাকে দেখি কি হয়, জানে দাদাকে থাকা দরকার। দিদি কো তো ইতনা সাল দিয়া আপ দাদা কো দিয়া হ্যায় কি দাদা আপ দেখে ক্যা করতে। চলিয়ে দো মহিলা হ্যায় যাইয়ে আপ, সিরফ মে রায় শুমারি কর রহা হুঁ আর উসমে তরহ তরহ কে পয়েন্ট অফ ভিউ জিসকি জো রায় হ্যায় আপ মহিলাঁয়ে ইয়া জো ভোটার ভোট দেকার আ রহে হ্যায়। আর মে ফির বতা দুঁ হুঁ মোহাম্মদপুর গাঁও মে বহুত গরমি হ্যায় আর ই রিকশা সে ভি ঘুম রহা হুঁ, ইসমে তিন বুথ হ্যায় অলগ অলগ বুথ পর জো ভোট দেকার নিকলতে হ্যায় উনসে বাত করকে সমঝনে আর সমঝানে কি কোশিশ কর রহা হুঁ। বহুত গরমি হ্যায় অভি হম লোগ, আব মোহাম্মদপুর গাঁও জো নন্দীগ্রাম ওয়ান কা বড়া গাঁও হ্যায় আর উসমে হিন্দু বহুল আবাদী হ্যায়, उस गांव में कुछ लोगों से कुछ महिलाओं से बात करके हम लोग निकले हैं। बंगाल के चुनाव का रंग है जो आपको यहाँ दिखेगा कहीं और नहीं दिखेगा, लेकिन अभी इतने कुछ लोगों से बात करके कुछ थाहना बहुत मुश्किल है। हाँ ये अनुमान लगाना, क्योंकि कई बार जैसा कि आपने भी चर्चा की कि दूसरी पार्टी के अगर कैडर या समर्थक वहाँ हैं तो जानबूझ के महिलाएं सच नहीं बता पा रही हैं। जैसा कि एक महिला ने पहले कहा कि दीदी को वोट दिया, फिर कुछ 40-50 सेकंड बाद ही उसने कहा कि नई परिवर्तन के लिए दादा को वोट दिया। तो ऐसी चीज़ें हो रही है, इसीलिए किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचना मुश्किल है इनके आधार पर। चलिए अब चलते हैं किसी दूसरे गाँव की तरफ और ऐसे अलग अलग बूथ का चक्कर लगाएंगे, मुआयना करेंगे।
देखते हैं और समझते हैं। अब फिर मैं एक पोलिंग बूथ पर हूँ, नंदीग्राम वन, और ये जो गांव है, गांव का क्या नाम है? उच्च बिंदावनपुर। और दो महिलाएं जाती हुई दिखी, तो इनसे फिर पूछते हैं कि क्या सोच के वोट दिया, परिवर्तन के लिए दिया या दीदी आसवे के लिए दिया। समझ में आएगा इनको, बोलो जो मन में जिसको दिया, जो सोचते हो, जो सोच के दिया बोलो। की भेबे माथा की भावना चिंता छिलो जे हाँ परिवर्तन होवे ना उन्नयन होवे ना की होवे काके, सही भावे जा एकटा बोले दिन। बोलो जो जो सोचा बोलो। आमी किछु पाइनी, आमी जानो एकटु परिवर्तन होते चाई। और आप? एटाई ठीक आछे, আমরা চাই যে দিদিও অনেক কাজ কর্ম করেছে, আমরা অস্বীকার যাচ্ছি না, তবু আমরা কি চাই 10 বছর একজনের জন্য তো আরে করতে পারে না, একটু পরিবর্তন হলেও আরো কিছু উন্নতিও হবে দেশের জন্য, তাই আমরা পরিবর্তন চাইছি। কে বলে? বলে কি 10 সাল সে তো দিদি কো দিয়া হ্যায় আর ইয়ে হাম ইনকার নাহি করতে কি দিদি নে ভি কাম কাজ কিয়া হ্যায়, লেকিন এক হি আদমি কিউ ইতনে দিন রহেগা, তো চাহতে হ্যায় কি পরিবর্তন হো, কি শায়দ আর কুছ বেহতর উম্মীদ জগে, বেহতর আস জগে। তো পরিবর্তন কে লিয়ে দিয়া, তো শুভেন্দু দাদা সোচা কি মোদি সোচা? মোদি স্যারকে আমরা চিহ্নিত করেছি, স্যার খুবই মানে ভালো দেখছি, তো আমরা তো সাধারণ মানুষ না, আমরা কি চাইবো, আমরা যাতে সুস্থ হবে মানে এতে ভাবে যেন আমরা বাঁচতে পারি, তো এটাই তো আমরা চাই না। ক্যা বলি? हम तो सामान्य आम नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा ढंग से जीवन यापन कर सके, इसीलिए हमने मोदी का चेहरा देख के वोट। चलिए थैंक यू। तो ये दो महिलाएं हैं, ये गांव का नाम फिर से बताइए। मोज बिंदावनपुर। बाकी कुछ और से बात करते हैं जो लोग वोट देकर आ रहे हैं। दो महिला फिर आ रही हैं और वही बूथ है मूच बिंदावनपुर नंदीग्राम वन। तो अब पूछिए इनसे। ওই ভোট যখন দিলেন কি ভেবে দিলেন, মাথায় কি ভাবনা চিন্তা ছিল, পরিবর্তন হবে না আরো একজনকে একটু ইয়ে দিয়ে উন্নয়ন হবে, কি ভেবে? ইয়া দিদি আসবে। আমি যাকে মনে করছি তাকে দিয়েছি, আমি দিদিকেই দিয়েছি। और आप? एक मिनट रुकना अभी। आप? हमें वो सुधा दीदी के दिए थे। तो इन्होंने कहा कि हमने दीदी को वोट दिया। कैनो दिए थे? दीदी का चाहे हमरा अनेक किचु पे थी एवं हमरा अनेक किचु पेते हो चाहिए, दीदी के हमरा चाहिए। क्यों, क्या बोले? दीदी से हमको बहुत कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा, इसलिए हमने दीदी को दिया। तो अभी चार महिलाओं से मैंने बात की, मूच बिंदावनपुर ये गांव है और चार में मेरे गए सही आबार सही इथे दाड़ी अच्छे ताले दादा की करलो। क्या बोली? दादा यानी शुभेंदु दादा तो टीएमसी छोड़ के निकल गए और फिर वहीं खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पाला बदल लिया है, तो किया क्या उन्होंने? कोते चाहिलो यार दादा के, हमरा चाहिबो दीदी आछे, दीदी के ही चाहिए। क्यों, हम दादा को क्यों पसंद करेंगे, उन्होंने तो रंग बदल दिया है, तो हम दीदी को ही चाहेंगे। लेकिन ये बताओ कि ये अगर नहीं समझ में आएगा तो बंगला में बताएंगे। लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू है बहुत वो सब दादा के पास ज़्यादा जा रहा है, आप लोग तो हिंदू है, तो हिंदू क्या दादा को ज़्यादा वोट दे रहा है? हमारा दीदी के चाहिए, दीदी के ही चाहिए। आप? हम ही हूँ। तो फिर ये कैसे हो रहा है, हिंदू मुसलमान यहाँ हो रहा है कुछ? जाए जाए करो, हमारा दीदी के ही चाहिए। उन्हें जिज्ञेस कर सकते ग्रामे की हिंदू मुस्लिम में कोनो विभेद आछे ना? कोनो किछुई नहीं हमारे कोनो किछु असुविधा नहीं खानी কিছুই নেই, আমরা মানে ভালোভাবেই আছি। চলো ঠিক হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আপ যাইয়ে, এসে যো যো লোক ভোট দে কর আ রহে উনসে বাত করো, যো ভি উনকি রায় এসে আপকো অন্দাজা লাগেগা। চার মহিলাওঁ সে মানে বাত কি, দো কি রায় কুছ অর থি, রুখ কুছ অর থা, দো কা রুখ অর দো কি রায় কুছ অর হ্যায়, অন্দাজা লাগাইয়ে। নন্দীগ্রাম ওয়ান কে উসি মূচ বৃন্দাবনপুর গাঁও কে উস পোলিং বুথ সে ফির ইয়ে কুছ ভোটার নিকলে হ্যায় ভোট দেকর, অর ক্যা সোচ কর ভোট দিয়া আপনে? আমরা এই সোচ কর ভোট দিয়া যে আমরা যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এইখানে বিধানসভায় 200 বিধানসভায় ভোটে দাঁড়িয়েছেন, ওনার কাজ কর্ম বা ওনার যে প্রচেষ্টা সব কিছু উনি করেছেন, সেই জন্য আমরা দিদিকে চাই দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী দিদি সাহেবকে চাই, তাই জন্য দিদিকে আমরা এবারে ভোট দিয়েছি। ইয়ে ইনকি বাদ সে লগ রা কি হমকো তিসরি বার ভি দিদি চাইয়ে, ইসলিয়ে হমনে দিদি কো ভোট দিয়া, মোটে তৌর পর ইয়েই কাহা। আব ইনসে বাত করনে সে পহলে দো মহিলা হ্যায়, আপনে ক্যা সোচ কে ভোট দিয়া, মতলব क्या सोचा क्या होना चाहिए, जैसे परिवर्तन बोलते हैं और दीदी आसवे, क्या सोचा? ठीक है, हम तो हिंदी बोलते हैं। बांग्ला बोलो। आप पूछिए। बांग्ला बोलो ना, की भावे चिंते वोट दिए छे? ভালো হবে এইজন্য ভোট দিয়েছি, আমরা মোট ঠিকভাবে ভোট দিতে পেরেছি।
दीदी के ना दादा के भालो के अच्छा करेगा के भालो काज करे छे बा करबे ভাবে কি বলা যায় না কি আমরা দিচ্ছি দিয়েছি ভোট মানে ভালো চাই যাতে আমাদের সবার ভালো হয় এই দিদি আসলে ভালো दीदी आने पर ही अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, भला हो, सबका गांव में जो लोग हैं सबका भला हो। आप यही सवाल असली भलो सब विकास हो ही भलो सवाल क्या क्या बोली सबका विकास हो वही अच्छा है। हाँ इनसे इनसे बुजुर्ग महिला से इनसे पूछिए आपने की भेबे वोट दिए छन की चान जे ग्रामे उन्नति हो सब कुछ मिल के दिया यही दीदी है सब अच्छा ही है और सब दीदी के ही हम लोग चाहते हैं। आप तो हिंदी अच्छा बोल लेता है तो आपने क्यों दीदी को चाहता है आज सब ये कर रहा है बोलचे सब ये होचे सब कुछ देखे वाले तो चलिए ये भी दीदी को वोट दे के गई हैं और जो महिलाएं बाकी उन्होंने कहा आपने वोट दे दिया तो दीदी के चाहिए क्यों ये नंदीग्राम के जो इलाका है दीदी 50,000 की 60,000 वोटे जीतेगा वो शुभेंदु अधिकार जा बोलुक ना कहनो दीदी का अन्याय अपना देखें जो रास्ता घाट पाड़ा गाँव रास्ता है मजबिंदामनपुर माटी रास्ता ये मुहूर्ते नहीं है दीदी जे अच्छा काज करेगा ये तृतीय बारे जन दीदी के सबाई एलिका चाहेगा मजबिंदामनपुर जरा ताराओ चाहेगा। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? हमारा नाम बाबलू माइती। और आपका नाम? आशीष दास। अभी कुछ और लोग वोट दे कर आएंगे उनसे भी बात करते हैं और बंगला समझने में मुझे दिक्कत होती है थोड़ी मदद प्रभाकर जी करते हैं और समझ लीजिए कि आप लोगों तक सारी बात पहुंचे इसलिए इतनी गर्मी में उमस में पसीने से देखिए पूरा लथपथ हैं हम लोग लेकिन उसके बाद भी लगातार अलग अलग बूथ का मुआयना कर रहे हैं लोगों से बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं वोटर लगातार आ रहे हैं तो क्या इधर क्या सोच के क्या किया परिवर्तन चाहता है दीदी 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 के चाहिए क्यों ममता बनर्जी के चाहिए क्यों अच्छा लगता है ममता बनर्जी का क्या नाम है आशीष सामंत आशीष सामंत आपने वोट दे दिया दिखाओ क्या नाम है उत्तम माइती उत्तम माइती और ये जो बूथ है ये कौन सा है 34 नंबर बूथ 34 नंबर बूथ गांव कौन सा है मौज बिंदावनपुर ये बोलने में मुझे दिक्कत होती है माफ करिएगा आप लोग बंगाली भाई लोग तो क्या सोच के वोट दिया परिवर्तन या दीदी आसबे दीदी क्यों हमारा दीदी के ভালোবাসি दीदी बहुत কিছু দিচ্ছে আমাদের আমরা ওইটাই চাই কে কি কোনো দেখা দরকার নেই আমরা গরীব মানুষ আমি যোটা পাবো সেটা আমার সন্তুষ্ট দান দেন বহুত আছে আমরা দিদিকে ছাড়া বড়িয়া আর কাউ কিছু দিন না দিদি বড়িয়া বড়িয়া দিদি আমি চাই যুবশ্রী কন্যাশ্রী আমি চাই কৃষক বন্ধু আমি চাই কি বলে এই যে মেয়েদের 500 টাকা দেওয়া এইটাই আমার খুশি ये दीदी की वही योजना है ममता बनर्जी की कन्याश्री रूपाश्री ये सब बता रहे हैं जो मेरे कई वीडियो में लेकिन एक बात से आप कह रहा दीदी को चाहते हो लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी दीदी के लिए बोलता है कि वो तो बेगम ममता बानो है और ये इसको नंदीग्राम को मिनी पाकिस्तान बना रहा है तो आप लोग तो हिंदू हो तो या हिंदू मुसलमान हो के वोट हो रहा है क्या शुभेंदु जे बोल छे जे ममता बानो बोल छे मिनी पाकिस्तान करे देवे जितले तो इखाने की हिंदू मुस्लिम कोनो फ्रिक्शन आछे आमादेर किछु नेई हिंदू मुसलमान कोनो गंडगोल नेई किछु नेई आमरा सबाई मिलेमिशे चली आर आमरा दीदी के ভালোবাসি दीदी जथेष्ट आमाके दिच्छे आरो दिबे बोलेछे पुल करे दिबे बोलेछे आमरा एइटा आशा करी शुभेंदु के आमरा चीनी ना चलिए चलते आगे ऐसे अलग अलग बूथ पर हम चलते हैं लोगों से बात करते चलते हैं चलते आगे चलिए 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 आगे चलिए और ऐसे ही ई रिक्शा एक हमने लिया है और ई रिक्शा से अलग अलग जगह हम गांव में जा रहे हैं जहां जहां वोटिंग हो रही है और वोटिंग करके जो वोटर निकल रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ये गांव है यहां पे आपने देखा कि ज़्यादातर वोटर ज़्यादातर जितने लोगों से बात की अगर उसमें ज़्यादा तादाद हमें दिखी TMC की दिखी। हाँ TMC के है और ये गाँव हिंदुओं का गाँव है ये आप बताना जरूरी है तो जो एक ये माहौल बनाया जा रहा है पोलराइजेशन का तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच ऐसा कोई विभाजन की ऐसी कोई रेखा या ध्रुवीकरण नहीं है हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं लेकिन दीदी ने काम किया है ये पक्की सड़क बनवा दी है रास्ते कच्चे थे कई योजनाएं बताई तो यहाँ हम दीदी को चाहते हैं यही तमाम इन लोगों का कहना था। ये कहना था हालांकि 2-3 महिलाएं ऐसी भी मिली जो दादा को वोट देकर आई थी और दादा को चाहने की बात कर रही थी लेकिन अब देखिए ये
इतने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उसमें दोनों तरह के रिएक्शन हैं, अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर से बात करूँ, और ये जो एक नैरेटिव है जिस नैरेटिव के ज़रिए ये मीडिया में बताया जाता है, ज़बरदस्त पोलराइजेशन ऐसा हो गया कि हिंदू वोटर बड़ी तादाद में न सिर्फ 80-90% ऐसे आकलन किए जा रहे हैं कि सिर्फ शुभेंदु को जाएंगे, लेकिन जिन लोगों से अभी मैंने बात की वो हिंदू वोटर थे 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में, 2-3 बूथ पर। और एक बात और, मेरा मकसद भी खास तौर से, मेरी कोशिश भी है कि हिंदू मतदाताओं के मन को पढ़ने की कोशिश करूँ, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचकर वोट करें, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुस्लिम को लेकर हम सब मान रहे हैं, एक अंदाज़ा है, कयास है कि बहुत एकमुश्त वोट मुस्लिम का ममता बनर्जी को पड़ेगा। तो सवाल उठता है हिंदू वोटों का क्या बंटवारा होगा, या शुभेंदु जो दावा करते हैं वैसे होगा, इसका आकलन इस तरह की बाइट से आप कर सकते हैं। मैं इस वक्त हूं नंदीग्राम 1 के ही एक दूसरे पोलिंग बूथ पर। पोलिंग बूथ का नाम क्या है? जेलेमारा गांव है ये, 35 नंबर बूथ। 35 नंबर बूथ जेलेमारा गांव। आज दो महिला फिर वोट देकर आई हैं, तो पूछें इनसे कि क्या सोचकर वोट दिया, परिवर्तन या दीदी आसवे? दीदी आसवे। तो केनो दीदी आसवे? दीदी के हमरा ভালোবাসি, বাংলা কে আমরা ভালোবাসি, দিদি বাংলায় থাকলে যে উন্নতি করেছে আর হয়তো উন্নতি করবে। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ महिलाओं की बात, और बार बार मैं महिलाओं की बात इसलिए दिखा और सुना रहा हूँ क्योंकि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 48-49% महिलाएं हैं, और बहुत कुछ तय महिलाएं करने वाली हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग बूथ पर, अलग अलग आवाज़ें, अंदाज़ा आप लगाते रहिए। ठीक है, आप जाइए। आपने जिन दो महिलाओं से बातचीत मेरी सुनी, ये महिलाएं इसी पोलिंग बूथ से वोट देकर निकली। जेलेमारा ये गांव का नाम है, 35 नंबर बूथ है, करीब करीब 750 यहाँ वोट हैं, और हिंदू बहुल आबादी वाला ये गाँव है। तो हिंदू बहुल जब बोलता हूँ, मेरे बोलने का भी मकसद है क्योंकि कहानी ध्रुवीकरण करने की कोशिशों में छिपी है, और उस कहानी के आयाम को ही मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण हो गया, जैसा दावा किया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी की तरफ से, क्या उस दावे की हकीकत बूथ पर जाने पर वैसी दिखती है? तो आप अंदाज़ा लगाते जाइए लोगों के बयान से, क्योंकि ज़्यादातर बातें जो मैंने की है महिलाओं से, वो हिंदू बहुल गांव की महिलाएं हैं, हिंदू हैं। जो मेल वोटर भी कुछ मैंने बात की हैं, वो पुरुष भी हिंदू हैं, और मैं आज कोशिश कर रहा हूँ हिंदू बहुल इलाकों के बूथों तक जाने की। मुस्लिम बहुल इलाकों में इसलिए नहीं गया क्योंकि पता है, अंदाज़ा है, अनुमान है कि मुस्लिम का रुझान किस तरफ है, इसलिए जानना ये ज़रूरी है कि हिंदू मतदाताओं का रुझान किस तरफ दिख रहा है, या ज़्यादा हिंदू मतदाता उनके जहन में क्या।